अम्बेडकरवादी साहित्य महामंडल व विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में 11 व 12 अप्रैल को शहर के साई सभागृह में दूसरे अखिल भारतीय अम्बेडकरवादी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के अध्यक्ष लेखक डॉक्टर भाऊ लोखंडे होंगे। अम्बेडकरवादी साहित्य महामंडल के कार्यालय में महामंडल के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक कुमार खोबरागड़े की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें दिल्ली के विचारक शांति स्वरूप बोध, पुणे के लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले और लेखक डॉक्टर भाऊ लोखंडे तीन नाम विचार के लिए रखे गए। उसके उपरांत पदाधिकारियों ने डॉक्टर भाऊ लोखंडे का नाम चयनित किया। सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष वनराई फाउंडेशन के डॉक्टर गिरीश गांधी है। आंबेडकरवादी साहित्य महामंडळ व विदर्भ गौरव प्रतिष्ठानच्या वतीने दिनांक 11 व 12 एप्रिल रोजी नागपुरातील साई सभागृहामध्ये दुसरे अखिल भारतीय आंबेडकरवादी साहित्य संमेलन आहे। या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष नागपूर शहरातील सांस्कृतिक नेते आदरणीय गिरीशभाऊ गांधी आहेत। तर या संमेलनाचे उद्घाटक महाराष्ट्र राज्याचे ऊर्जा मंत्री माननीय नितीनजी राऊत आहेत आणि या संमेलनाचे जे अध्यक्ष आहेत ते महाराष्ट्राचे सुविख्यात साहित्यिक डॉक्टर भाऊ लोखंडे आहेत। या संमेलनासाठी भारतातून अनेक विचारवंत नाटककार, कवी, लेखक, कथाकार म्हणजे जवळपास 1000 ते 1200 लोक या संमेलनामध्ये सहभागी होणार आहेत। दुसरे अखिल भारतीय आंबेडकरवादी साहित्य संमेलन आपल्या नागपूर शहरामध्ये बऱ्याच वर्षानंतर आंबेडकरवादी विचाराचं संमेलन या नागपूर शहरामध्ये होत आहे। माझं आव्हान आहे सगळ्यांना की या संमेलनासाठी सगळ्यांनी यावं आणि एकूणच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो विचार आहे, जो लोकशाहीचा विचार आहे, या लोकशाहीचा विचाराचे पायीत बनण्यासाठी आपण सुद्धा या संमेलनाच्या माध्यमातून हातभार लावावा अशी माझी सगळ्यांना विनंती आहे। मी जागतिक आंबेडकरवादी साहित्य महामंडळाचा अध्यक्ष प्राध्यापक दीपक कुमार खोबरा। सम्मेलन का उद्घाटन महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राऊत करेंगे। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गृह मंत्री अनिल देशमुख, पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार, समाज कल्याण मंत्री धनंजय मुंडे की उपस्थिति रहेगी। सम्मेलन की तैयारी के लिए कमेटी की स्थापना भी की गई है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में विभिन्न साहित्यिक, पत्रकार, कवि, कथाकार, नाटककार सहभागी होंगे। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती तथा 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती, उनको अभिवादन के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर वरिष्ठ संपादक व पत्रकारों को मुकनायक शताब्दी राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उनके लेखकों को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सम्मेलन में विविध विषयों पर परिसंवाद, एकांकिका, नाटक, कथाकथन, कवि सम्मेलन आदि का आयोजन होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज, नागपुर।